हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग मेडिकल के सारे अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे अभी जो रिसेंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है 12th का अभी 20 जून से पहले आ जाएगा। तो SSC का रिजल्ट बोला है 20 जून और HSC यानी 12th का रिजल्ट बोला है महाराष्ट्र बोर्ड में 10th जून को। ठीक है, तो 10 जून के बाद आपको पूरा पूरा एक महीना पूरा रिवीजन के लिए मिलता है, क्योंकि 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे कुछ ही दिन बाकी है, तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री टेस्ट सीरीज एवरी डे। DPP जो है आप सॉल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टर्बो 15 टेस्ट का। साथ ही में यहाँ पे जो है प्राइस हाई होने वाला है अनअकैडमी पे, तो अभी जो है आप सब्सक्राइब करके जो है 25% तक का आप सेव कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या आपका नीट और पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे नए प्राइस के बारे में, तो आप देख सकते हो कितना ग्रीन 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 जो भी ग्रीन है वो सारे आप अमाउंट सेव कर रहे हो अगर आप सब्सक्राइब करते हो अभी तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कोड यूज़ करना है Omkar_96 सारे के सारे कोर्सेस लेने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं नीट UG क्या पोस्टपोन सच में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहला मैं ये पॉइंट बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे कंटिन्यूसली ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं या फिर कराना चाहते हैं #postpone NEET UG exam, तो उनमें से कई बच्चे तो 11th में है, ऐसा भी मैंने देखा है। ठीक है, तो उनको तो कुछ टाइम है नहीं, अभी तो एग्ज़ाम है नहीं, तो चलो नीट को पोस्टपोन करेंगे। मैंने कुछ ये भी देखा कि बहुत सारे जो बच्चे कॉमर्स वाले वो भी ट्रेंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चीज़ को समझो, बात को समझो। एक माहौल बन रहा है टाइम पास का जिसमें सब लोग आके मज़े ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेन्युइन बच्चा है जिसको MBBS में एडमिशन चाहिए, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसके फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर बनना है, वो क्या कर रहा है, क्या वो भी इसमें आके इन्वॉल्व दिन ब दिन हो रहा है? हाँ, अगर हो रहा है तो गलत चीज़ है। चलो वो इसमें आके एक बार ट्विटर पे ट्रेंड कर देता है, एक बार जो हैशटैग मार देता है कि #postpone NEET UG exam, और इतना करने के बाद अगर वो चला जाता है तो बात सही है। यहाँ तक समझा, अगर आप नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, तो आपको दिन दिन पूरा ट्विटर के ऊपर नहीं वेस्ट करना, दिन दिन पूरा इंस्टाग्राम के ऊपर या कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी गूगल फॉर्म के ऊपर वेस्ट नहीं करना। जितने भी गूगल फॉर्म सर्वे के नाम पे आते हैं उनमें से कई सारे तो फेक होते हैं। बहुत सारे बच्चों को वो फॉर्म आने के बाद मार्केटिंग के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो आप ही अपने पूरा जो डेटा है सामने वाले को दे रहे हो। तो आपको सोचना चाहिए क्या गूगल फॉर्म भर के हम लोग एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में 15 से 16 लाख बच्चे जो है नीट का एग्ज़ाम देते हैं, क्या 15 लाख बच्चे वो गूगल फॉर्म भरने वाले हैं? तो आंसर है नहीं। जो भी बच्चा सीरियस है वो इन सब बातों से हट के अपना अपना प्रिपरेशन करेगा। क्यों? इसका मेन रीज़न, कोविड में भी NTA ने एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम लिया, ऑन टाइम मतलब जो शेड्यूल दिया वही शेड्यूल पे एग्ज़ाम लिया, तो NTA एट द एंड किसी का नहीं सुनता। तो हम लोग को NTA के तरफ से सोचना चाहिए, NTA के साइड से सोचना चाहिए क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो अगर आप पूरा क्लियर पिक्चर देखोगे तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। फिर बच्चों का ये कहना है कि हमें एक ही महीना मिला रिवीजन करने के लिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि रिवीजन हो नहीं पा रहा है। तो देखो यहाँ पे NTA का ये कहना है, उनके कुछ ऑफिशियल ये बोलते हैं, नीट का जो प्रिपरेशन है आप 2 साल 2.5 साल करते हो, ना कि एक महीना, वो तो एंड का रिवीजन का है। ठीक है, तो एंड में एक महीना रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम है और हम लोग एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक टिल डेट यही अपडेट है कि एग्ज़ाम आपका नीट का पोस्टपोन नहीं होगा। इफ़ इन केस होता है तो ज़रूर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक कोई भी गूगल फॉर्म ना भरे, फालतू में किसी भी चक्कर में ना फंसे और अपना अपना प्रिपरेशन अच्छे से करें। मेरे सारे लेक्चर अनअकैडमी पे फ्री है, आप लोग आके देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।